वेलकम, आई एम डॉक्टर श्वेता और ये सेमीकंडक्टर फिजिक्स एंड इंफॉर्मेशन स्टोरेज का एमसीक्यू का सेकेंड वीडियो लेक्चर है। और इस वीडियो सीरीज में हम लोग जो सेमीकंडक्टर की रख रहे हैं इसमें ज़्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही हैं। हमने कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा कम ही रखा है फिलहाल, इस सीरीज के लिए तो नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक, और कमेंट सेक्शन में कमेंट पोस्ट करते रहिए जो भी आपके डाउट्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं, कर लेते हैं क्वेश्चन स्टार्ट, करना स्टार्ट करते हैं। एग्जाम पास है बिल्कुल। फर्मी लेवल लाई एग्जैक्टली इन द सेंटर ऑफ ऑर्बिटल एनर्जी गैप ईजी बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड। एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, नन ऑफ दीस। टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो किस टाइप सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल एग्जैक्टली फॉरबिडन एनर्जी गैप के सेंटर में होता है? यस, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एग्जैक्टली बीच में होता है, और ये एक्सप्रेशन भी आपको ड्राइव कराया था। यस इक्वल टू ई सी प्लस ई वी बाय टू। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमनली यूज सेमीकंडक्टर इज जर्मेनियम, सिलिकन, कार्बन, सल्फर। टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो आपको पता होगा कि मैक्सिमम हम कौन सा सेमीकंडक्टर यूज करते हैं, तो इसका आंसर सबने एक सही गैस कर दिया होगा। दो पे डाउट जा रहा होगा, लेकिन लास्ट में समझ में आ जाएगा कि सिलिकन जो है सबसे ज्यादा यूज सेमीकंडक्टर है, सबसे ज्यादा हम उसी को यूज करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द फॉरबिडन एनर्जी गैप ऑफ कार्बन इन डायमंड स्ट्रक्चर इज 0.7, 1.11, 6 dB एंड नन ऑफ दीज। अगर आपको ये पता है कि डायमंड जो है किस तरीके का मटेरियल है, तो आप इसका बैंड गैप यहाँ पे सही गैस कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो यस, करेक्ट ऑप्शन है 6 dB, क्योंकि इंसुलेटर होता है ये। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमीकंडक्टर डायमंड, आर्सेनिक, फास्फोरस, गैलेनियम आर्सेनाइड। और टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप कर लेंगे, बिल्कुल ईजी है, और सबको पता है कि जो गैलेनियम आर्सेनाइड है वो सेमीकंडक्टर है, डायमंड इंसुलेटर है, आर्सेनिक और फास्फोरस इम्प्योरिटी ऐड करते हैं हम पी टाइप और एन टाइप बनाने में, बट गैलेनियम आर्सेनाइड जो है GaAs ये सेमीकंडक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्मी लेवल लाई एग्जैक्ट स्लाइटली बिलो द बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, नन ऑफ दीज। तो अभी हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात ऑलरेडी कर ली है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बताया था कि जस्ट मिडिल में होता है फर्मी लेवल ईवी और ईसी बैंड्स के, और एन टाइप सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बैंड के जस्ट बिलो फर्मी लेवल होता है। ठीक है, ये इंट्रिंसिक का है, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर का है। तो ऑप्शन है एन टाइप सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्मी लेवल स्लाइटली अबव द टॉप ऑफ वैलेंस बैंड, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, नन ऑफ दीज। टाइम स्टार्ट्स नाउ। और ये भी आप कर लेंगे, ये भी इजी है। एन टाइप का बता चुकी हूँ, इंट्रिंसिक का बता चुकी हूँ, तो कौन सा रह गया है? ऑब्वियस है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में जस्ट अबव होता है वैलेंस बैंड के, ठीक है। तो अगर ये ई एफ इंट्रिंसिक है तो इसके ऊपर होगा, वो डिपेंड करेगा कितना ऊपर है इम्प्योरिटी पे, किस तरीके की हमने इम्प्योरिटी एड की हुई है। ये कंडक्शन बैंड है तो ई सी है यहाँ पे, ये ई वी है वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, और इसके यहाँ पे जस्ट अबव फर्मी लेवल। अब कितना ऊपर होगा वो इम्प्योरिटी, जितनी ज्यादा इम्प्योरिटी होगी उतना ही वैलेंस बैंड के ये पास होता जाएगा। चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इनके लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? दे ऑब्टेन बाय एडिंग पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, देयर इज लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, देयर आर सम होल्स एज अ मेजॉरिटी,
minority charge carrier, doping given negatively charged acceptor, negatively charged free electrons. और time start now. तो ये आपको बताना है कि कैसे करना है इस क्वेश्चन को. आपको सिर्फ नॉट करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. तो यस, इसका जो करेक्ट नॉट करेक्ट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है. डोपिंग गिवन नेगेटिवली चार्ज एक्सेप्टर, एक्सेप्टर नहीं डोपर, डोपिंग डालते हैं उसमें, नेगेटिवली चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन्स. चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. द बैरियर बैरियर पोटेंशियल डिपेंड ऑन डोपिंग डेंसिटी, टेम्परेचर, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एंड ऑल ऑफ दीज. और टाइम स्टार्ट हो चुका है, बताइए. हाँ ये तो बता ही देंगे क्योंकि ये आप जब इलेक्ट्रिकल पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं ट्वेल्थ में, तो ये बहुत डिस्कस किया जाता है. तो यस, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज. डोपिंग डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है. टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो बैरियर पोटेंशियल चेंज होता है. इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पे भी डिपेंड करता है और ये तीनों फैक्टर होते हैं. तो ऑल ऑफ दीज करेक्ट ऑप्शन है. क्वेश्चन है पोटेंशियल बैरियर फॉर अनबायस्ड पीएन जंक्शन ऑफ जर्मेनियम क्रिस्टल इज 0.3 eV, 0.7 eV, 3 eV, 7 V. तो पोटेंशियल बैरियर एक तरीके से फॉरबिडन गैप के बराबर होता है और जर्मेनियम के लिए वो 0.7 eV होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड्स, कोऑर्डिनेट्स बॉन्ड्स, नन ऑफ द अबव. टाइम स्टार्ट्स नाउ. सेमीकंडक्टर में कौन से बॉन्ड्स होते हैं वैलेंस बैंड के अंदर या यस, करेक्ट ऑप्शन इज कोवेलेंट बॉन्ड. टाइम, नेक्स्ट क्वेश्चन है. इन सेमीकंडक्टर गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड इज द ऑर्डर ऑफ 5 eV, 10 eV, 15 eV, 1 eV. टाइम स्टार्ट्स नाउ. तो गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड उसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप और फॉरबिडन गैप. और फॉरबिडन गैप सेमीकंडक्टर में कितना होता है, 1 eV. ठीक है, अगर इतना होगा गैप तो ये इंसुलेटर हो जाएगा. ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. सेमीकंडक्टर हैज डैश टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो एंड नन ऑफ दीज. कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है सेमीकंडक्टर में, या कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता है. जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है सेमीकंडक्टर में. रीजन क्या है कि बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते हैं और नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स सेमीकंडक्टर में होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों जो हैं चार्ज कैरियर होते हैं कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस बैंड में होल्स, और ये दोनों ही इंक्रीज हो जाते हैं तो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है. कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है तो मतलब रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है, तो मतलब नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशेंट ऑफ रेजिस्टेंस सेमीकंडक्टर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. When a semiconductor is heated, its resistance increases, decreases, remain constant, none of the above. अभी पीछे वाला क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है तो ये वाला तो ऑप्शन आपके लिए पता ही है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा. अभी बताया लास्ट स्लाइड में. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं. A pure semiconductor behave like an insulator at 0 Kelvin because there is no recombination of electron with holes, drift velocity of free electron is very small, free electrons are not available for conduction current, energy possessed by electron at lower temperatures is almost zero. तो आपको सही ऑप्शन बताना है कि क्यों इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं जीरो केल्विन पे सेमीकंडक्टर्स. तो रीजन है
फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अवेलेबल फॉर कंडक्शन करंट। मैंने बताया भी था कि जीरो केल्विन पे जितने भी लेवल्स होते हैं फर्मी लेवल से नीचे के, वो सारे कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, जबकि इससे ऊपर के सारे एनर्जी लेवल कंप्लीटली एम्प्टी होते हैं। तो कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी होगा जबकि वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड होगा। जब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो फिर इंसुलेटर की तरह ही बिहेव करेंगे। फर्मी ड्रैग स्टैटिक्स इज फॉर डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, सिमेट्रिक पार्टिकल, पार्टिकल विद हाफ इंटीजर स्पिन, पार्टिकल विद इंटीजर स्पिन। मैंने आपको बताया भी था थ्री तरीके के पार्टिकल्स होते हैं और तीनों ही पार्टिकल के लिए जो स्टैटिक्स फॉलो होती है वो अलग अलग होती है। और फर्मी ड्रैग स्टैटिक्स किसके लिए फॉलो होती है? पार्टिकल विद हाफ इंटीजर स्पिन लाइक इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इससे प्रीवियस वाला सेकेंड लास्ट क्वेश्चन था। द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज गिवन बाय 1 अपॉन ई टू पावर ई माइनस ई एफ अपॉन के टी प्लस 1 अपॉन ई टू पावर ई प्लस ई एफ अपॉन के टी प्लस 1 अपॉन ई टू पावर ई माइनस ई एफ अपॉन के टी माइनस 1 अपॉन ई प्लस ई एफ अपॉन के टी माइनस 1 ई टू पावर। तो यहाँ पे एक बार प्लस माइनस है, फिर यहाँ पे एक बार प्लस माइनस है, इस तरीके से एक्सप्रेशन में वेरिएशन है। टाइम स्टार्ट हो चुका है और फर्मी ड्रैग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की बात कर रहे हैं जो कि सेमीकंडक्टर में फॉलो होती है। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन है। इसी एक्सप्रेशन से हम निकालते भी हैं फर्मी लेवल में कितनी प्रॉबेबिलिटी होगी। प्रॉबेबिलिटी फंक्शन है, इसको एफ से और एफ ई और पी इसे डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये सेकंड वीडियो था सेमीकंडक्टर एंड इंफॉर्मेशन स्टोरेज का। एग्जाम्स आ रहे हैं आपके, पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।